मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में आते हैं तो कभी अपनी फिल्मों में किए गए किरदारों को लेकर वो सुर्खियां बटोरते हैं। और यही नहीं, अमिताभ बच्चन ही नहीं उनकी पूरी फैमिली सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती है। चाहे वो उनकी पत्नी हो या फिर उनके बहू बेटे और पोती, पूरी की पूरी फैमिली अक्सर लाइमलाइट में बनी ही रहती है। लेकिन एक शख्स है अमिताभ बच्चन से जुड़ा जो लाइमलाइट से काफी दूर रहता है। इसको लेकर फैंस भी कई बार अमिताभ बच्चन से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। बल्कि ये शख्स कोई और नहीं, ये शख्स है अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन। फैंस अक्सर अमिताभ बच्चन से सवाल पूछते हैं कि अजिताभ बच्चन लाइमलाइट से दूर किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट में देखिए अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन लाइमलाइट से दूर किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। दिवंगत लेजेंडरी कवि हरिवंश राय बच्चन की गिनती देश के बेस्ट कवियों में की जाती है। उनकी कविताओं को आज भी लोग इज्जत और प्यार देते हैं। इस आइकॉनिक लेखक ने 19 साल की उम्र में श्यामा बच्चन से शादी की, लेकिन हरिवंश के साथ दुर्भाग्यवश 10 साल की शादीशुदा जिंदगी बिताने के बाद श्यामा का ट्यूबरक्लोसिस से निधन हो गया। हरिवंश ने इसके बाद तेजी बच्चन से शादी की, जिससे उनको दो बेटे अमिताभ और अजिताभ बच्चन हुए। हालांकि अमिताभ बच्चन की सक्सेस के चलते उनका नाम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अजिताभ बच्चन की लाइफ और परिवार के बारे में काफ़ी कम लोग जानते होंगे। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के इतिहास के सबसे महान एक्टर के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन के लिए अपने भाई की परछाई से हट के खुद की पहचान बनाना काफ़ी मुश्किल था। उन्होंने कोशिश की और बतौर एक नामी बिजनेसमैन के रूप में देश और विदेश दोनों जगह में अपना नाम बनाने में सफल हो गए। 18 मई 1947 को हरिवंश राय बच्चन और उनकी वाइफ तेजी बच्चन ने इस दुनिया में अपने दूसरे बेबी बॉय का वेलकम किया, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से अजिताभ बच्चन रखा। कपल अमिताभ के जन्म के 5 साल बाद अपने दूसरे बेबी बॉय के जन्म से काफ़ी खुश था। अपने बड़े भाई की तरह अजिताभ ने भी नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की। वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे। धीरे धीरे उनका झुकाव बिजनेस की तरफ बढ़ने लगा। ग्रेजुएशन के बाद भारत में शुरुआत में काम करने के बाद अजिताभ लंदन शिफ्ट हो गए और वहाँ 15 सालों तक काम किया। हालांकि वो इसी बीच अपने भाई से मिलने भारत आते जाते रहते थे। पपराजी के लिए रुकने और एयरपोर्ट पर पोज देने के बजाय अजिताभ हमेशा मीडिया को चकमा दे देते थे और अमिताभ से प्राइवेट में मिला करते थे। मीडिया में छपी गई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ही अजिताभ बच्चन और उस दौरान उनकी होने वाली फ्यूचर वाइफ रमोला के बीच की कड़ी थे, क्योंकि उन्होंने ही दोनों को मिलवाया था, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ मुलाकातों के बाद ही कपल ने अपने रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाने का फैसला कर लिया और शादी करके लंदन में ही अपना परिवार बसा लिया था। प्यार में डूबे इस कपल के 4 बच्चे हैं, जिसमें उनका एक बेटा भीम और 3 बेटियां नीलिमा, नम्रता और नैना हैं। दोनों के 4 बच्चों में से 2 बच्चे हमेशा मीडिया की लाइमलाइट में बने रहते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम उनके बेटे भीम का है, जो यूनाइटेड किंगडम में एक नामी इन्वेस्टमेंट बैंकर है। दूसरी उनकी बेटी नैना है, जिन्होंने थिएटर में अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए लंदन में बैंकर की नौकरी छोड़ दी थी। वहीं नीलिमा एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और नम्रता एक फोटोग्राफर और कवित्री हैं। हालांकि ये बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि जब नैना अपनी एक्टिंग के जुनून को फॉलो करने के लिए दिल्ली आई थी, तो उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर से हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को कुछ मुलाकातों के बाद एक दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के लिए कपल ने हमेशा के लिए एक होने का फैसला किया और 9 फरवरी 2015 को धूमधाम से शादी कर ली थी। अजिताभ और अमिताभ बच्चन की रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे का लाइफ में आए हर स्ट्रगल और चैलेंज में सपोर्ट किया है। उनका बॉन्ड पब्लिसिटी से परे है और सच्चे प्यार और प्योर भाईचारे के धागे से बंधा हुआ है। तो अमिताभ और अजिताभ के रिश्ते के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखा आपने लाइमलाइट से दूर अजिताभ बच्चन किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।